गाइस वेलकम टू न्यूज़ टी कोड। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के द्वारा वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक बहुत फेमस लाइन बोला गया था, एयर सुपीरियरिटी इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मिलिट्री पावर। आज इस वीडियो में हम एक इनडेप्थ कंपैरिजन करेंगे इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, और डिकोड करेंगे कि कौन से एयरफोर्स के पास एयर सुपीरियरिटी मौजूद है और कौन डोमिनेट करेगा आसमान को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो है भाई इंडियन एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स का कंपैरिजन है। तो देखेंगे भाई कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान के एयरफोर्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस है। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स भाई मतलब आगे ही होगी इनसे, क्योंकि आपको लोगों को पता है कि दुनिया के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है इंडिया की। तो भाई देखते हैं, लेकिन बात यह है कि वेपन्स देखते हैं और फाइटर जेट्स देखते हैं कि दोनों के बीच में कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और भाई साथ में जो है वीडियो के एंड में जो है इन लोगों के रिएक्शन देखना मत भूलना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें, इंडियन एयरफोर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें लगभग 170,000 एक्टिव और 140,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 1700 एयरक्राफ्ट भी है, जिसमें से लगभग 630 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि डसल्ट रफेल, Su-30 MKI, LCA तेजस, MiG-29, मिराज 2000, स्पेकेट जैगवर और MiG-21 पाइसन। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में, तो पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया का आठवां सबसे बड़ा एयरफोर्स है, जिसमें 70,000 एक्टिव और 8,000 रिजर्व पर्सनल्स मौजूद है, और साथ ही लगभग 810 एयरक्राफ्ट भी है, जिसमें से लगभग 455 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि J-10C, F-16 फाइटिंग फाल्कन, JF-17 थंडर, मिराज 3, मिराज 5 और F-7PG, जो कि चाइनीज कॉपी है MiG-21 का। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है सुखोई Su-30 MKI, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है और 260 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 40% है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के बैकबोन के बारे में, तो वो है JF-17 थंडर, जो कि एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और लगभग 138 के नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के टोटल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का लगभग 30% है। और अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें Su-30 MKI और JF-17 थंडर के बीच में, तो Su-30 MKI एक अलग ही लेवल का मशीन है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट JF-17 थंडर से 3 गुना ज्यादा है और इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स है, जबकि JF-17 थंडर में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा Su-30 MKI प्लस 9G के लिमिट्स तक को सस्टेन कर सकता है, वहीं JF-17 थंडर सिर्फ प्लस 8G तक ही सस्टेन कर सकता है। और अगर वेपन कंपैरिजन करें Su-30 MKI और JF-17 थंडर का, तो Su-30 MKI में हाल ही में इंडिजिनस अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है, जिसका रेंज 160 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें JF-17 थंडर का, तो उसका सबसे अच्छा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है PL-15E, जिसका रेंज 145 किलोमीटर है। और अगर Su-30 MKI के एयर टू ग्राउंड मिसाइल का बात करें, तो उसके लिए ये कैरी कर सकता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक का है। वहीं अगर बात करें JF-17 थंडर के सबसे अच्छे एयर टू ग्राउंड मिसाइल का, तो वो है चाइना का HD-1A, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर का है।
और अगर Su-30 MKI के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें तो उसके लिए इसमें लगा है देसी रुद्रम मार्क 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका रेंज 150 किलोमीटर का है। और अगर JF-17 थंडर के एंटी रेडिएशन मिसाइल का बात करें तो इसमें लगा है चाइनीज LD-10 जिसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर का है। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का तो वो है डेसॉल्ट राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन ओमनी रोल फाइटर जेट है और आज के समय ये सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इसका RCS भी काफी ज्यादा कम है और साथ ही ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह सुपर क्रूज भी कर सकता है। और अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स के लेटेस्ट फाइटर जेट का तो वो है चेंगडू J-10C जो कि 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये पाकिस्तान के पास जो F-16 का वेरिएंट है उनसे काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन अगर राफेल से हेड टू हेड कंपैरिजन करें चेंगडू J-10C का तो ये एयरक्राफ्ट राफेल के सामने नहीं टिक सकता। तो ओवरऑल अगर बात करें फाइटर जेट्स का तो चाहे वो नंबर गेम हो या फिर टेक्नोलॉजी दोनों ही मामले में इंडियन एयरफोर्स को आज के समय एज है और दोनों ही मामलों में इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स को। इसके अलावा अगर ट्रेनर एयरक्राफ्ट का बात करें जो कि किसी भी एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा होता है ताकि पायलट्स को अच्छा ट्रेनिंग दे सके और एक स्किल पायलट बना सके तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 350 से भी ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है जैसे कि पायलटस PC-7 पिपिस्ट्रल ATG गरुड़ HAL किरण BAE हॉक और कुछ नंबर्स में MiG-29 स्पेक्टर जैगुआर और MiG-21 का भी ट्रेनर वेरिएंट मौजूद है। और इसके अलावा हाल ही में 106 के नंबर में देसी STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दिया गया है और वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद है जैसे कि काराकोरम K8 T-37 ट्वीट और MFI-17 मुशशक। अब अगर बात करें गनशिप या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स का तो इंडियन एयरफोर्स के पास कई तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों ही तरह के गनशिप्स मौजूद हैं, जैसा कि अमेरिकन H-64 अपाचे रशियन MI-24 स्वदेशी HAL प्रचंड और HAL रुद्रा जो कि टोटल 57 के नंबर में है और इसके अलावा एडिशनल 6 LCH प्रचंड और 50 रुद्रा का भी ऑर्डर दिया गया है। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें तो इनके पास एक भी गनशिप्स या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भी गनशिप है बट वो एयरफोर्स के पास नहीं, वो पाकिस्तान आर्मी के एविएशन कॉर्प के पास है जिसको हम किसी और दिन इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प से कंपेयर करेंगे। तो गनशिप्स के मामले में भी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से काफी ज्यादा आगे। इसके अलावा किसी भी एयरफोर्स में फाइटर जेट्स और गनशिप्स के अलावा सपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे कि अवैक्स रिफ्यूलर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बात करें अवैक्स का तो ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स या फिर UAV को काफी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एयरक्राफ्ट्स फिर वो डेटा बाकी के फाइटर जेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये आसमान में कमांड एंड कंट्रोल का रोल परफॉर्म करते हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास आज के समय 6 के नंबर में अवैक्स मौजूद है जिसमें से 3 स्वदेशी नेत्रा अवैक्स हैं जो कि एम्ब्रर 145 पे लगे हुए हैं और इसके अलावा 3 इजरायली फाल्कन अवैक्स हैं और इसके अलावा हाल ही में 6 के नंबर में नेत्रा मार्क 2 अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है और साथ ही 2 के नंबर में फाल्कन अवैक्स का ऑर्डर भी दिया गया है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान एयरफोर्स का तो पाकिस्तान के पास 11 अवैक्स मौजूद है जिसमें से 4 चाइनीज ZDK-03 काराकोरम ईगल है और 7 के नंबर में साब 2000 पे बेस्ड अवैक्स मौजूद है। यानी कि अवैक्स के मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से एक बेटर पोजीशन पे मौजूद है लेकिन ये भी एक टेम्प्रोरी एज है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने एडिशनल अवैक्स का ऑर्डर दे दिया है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का तो
तो इंडियन एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में गल्फस्ट्रीम 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्लेम मौजूद है। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 3 के नंबर में फाल्कन DA-20 एयरक्राफ्ट मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। यानी कि इस डोमेन में इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स बराबरी पे है। और अगर बात करें रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट का, तो इंटरेस्टिंगली इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों के पास ही IL-78 पे बेस्ड रिफ्यूलर मौजूद है। जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के पास 6 IL-78 रिफ्यूलर्स है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4 के नंबर में IL-78 रिफ्यूलर्स मौजूद है। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का, जो कि बहुत अहम हिस्सा होता है ट्रूप्स इक्विपमेंट्स और लॉजिस्टिक्स को शॉर्ट टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 260 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि IL-76, बोइंग C-17, C-130J, सुपर हरक्यूलिस, एंटोनोव AN-32, हॉकर सिडली HS-748 और डोनेर 228 एयरक्राफ्ट। और इसके अलावा एडिशनल 56 C-295 एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर दिए गए हैं, जो कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। वहीं अगर पाकिस्तान एयरफोर्स का बात करें, तो इनके पास सिर्फ 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें है C-130J हरक्यूलिस, SAAB-2000, CN-235, Y-12, बोइंग 707, गल्फस्ट्रीम 4 और फेनम 100। और अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 430 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। CH-47 चिनूक, MiLMi-17, HL ध्रुव, HL चेतक और HL चीता। वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इनरोल के लिए लगभग 55 एयरक्राफ्ट्स ही मौजूद हैं, जिसमें है MiG-17 और AW-139। तो साल 2023 में जो ओवरऑल एज है, वो इंडियन एयरफोर्स के पास ही होने वाला है, चाहे नंबर्स का बात करें या फिर टेक्नोलॉजी का। बट अगर फ्यूचर का बात करें, तो आने वाले समय में पाकिस्तान एयरफोर्स को 50 के नंबर में JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 वेरिएंट मिलने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से पास्ट में 30 के नंबर में टर्किश अटैक हेलीकॉप्टर लेने का प्लान भी बनाया गया था, लेकिन अमेरिकन एम्बार्गो के कारण ये डील फंस चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एक बार फिर से चाइना की तरफ जाएगा और C-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आने वाले समय में एडिशनल ऑर्डर दिया जाएगा J-10C का, बट उसका क्वांटिटी क्या होगा ये फिलहाल कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एक्विजिशन का, तो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को 73 के नंबर में तेजस Mk-1A मिलने वाले हैं। इसके अलावा 50 के नंबर में रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर भी मिलने वाला है। और साथ ही अगर अवैक्स का बात करें, तो 6 के नंबर में नेत्रा Mk-2 और 2 फाल्कन एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। और इसके अलावा जल्द ही स्वदेशी LCH प्रचंड का एक मास ऑर्डर भी दिया जाएगा, जो कि लगभग 65 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है। और साथ ही एडिशनल 114 फाइटर जेट दिया जाएगा अंडर MRF है। और इन सब के अलावा भविष्य में तेजस Mk-2 और AMCA भी आने वाला है। तो ये जो गैप है ना इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच में, ये आने वाले समय में और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया ने हाल ही में ब्रिटेन को पिछाड़ के दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। और IMF के हिसाब से सिर्फ अगले 3 से 4 साल के अंदर इंडिया पिछाड़ेगा जर्मनी और जापान को और दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। यानी कि इंडियन डिफेंस बजट और इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड वीडियो थी। सबसे पहले बिल्कुल वो जो टर्म यूज की गई ना वो बड़ी टेक्निकल थी। अच्छा, सबसे पहले तो जो उन्होंने लास्ट में बात की ना, वो जो इकोनॉमी की, तो इंडिया प्रोबेबली 2030 तक तो वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उस हिसाब से अभी रिसेंटली इनका बजट आया तकरीबन 75-80 बिलियन डॉलर है डिफेंस बजट, और पाकिस्तान का तकरीबन 10-12 बिलियन डॉलर है। मतलब बजट के लिए ऐसे भी देखा जाए तकरीबन 7-8 गुना हमसे बड़ा है। और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से बजट और बढ़ जाएगा, हो सकता है 2030 तक 100 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर जाएगा। उन्होंने सही बोला कि टाइम के साथ साथ गैप जो है वो और ज्यादा ही होने और उसके साथ साथ वो
फिफ्थ जनरेशन जहाज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बढ़ेगा तो नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। इंडियन एयरफोर्स के जो जदीद हथियार हमने देखे ना यार, बड़े ही अच्छे लग रहे थे यार, ताकतवर थे, मतलब दुश्मन को एकदम, दुश्मन इनको देख कर ही वो डर जाएगा भाई, इतने खतरनाक थे। और इंडिया भाई हमसे बहुत आगे नंबरों में भी हर चीज में यार, हमारे वाले चाहे कितने भी दावे करें कि भाई हम नंबर वन हैं, हमारे पास ये सब हैं, हमारा बजट यहाँ पे लग जाता है, लेकिन फिर भी इंडिया हमसे आगे यार। हम तो ये देख के हैरान हैं कि हमारे यहाँ तो बोलते हैं नंबर वन आर्मी है, फिर भी इंडिया हमसे आगे इस फील्ड में भाई, एयरफोर्स में। उनके पास इतने हथियार है, ये जो हेलीकॉप्टर बता रहे थे वो भी हमारे पास नहीं है, और हमारे वाले हैं ठीक है, एक बार बोला भी बराबरी है, लेकिन फिर भी भाई मैं तो कहूंगा इंडिया आगे। पता लगा कि एयरफोर्स क्या मतलब अगर देखा जाए तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इंडिया के बेटर थे, क्वांटिटी भी ज्यादा है, क्वालिटी भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संख्या की जो बात है ना, और जिस लिहाज से इंडिया आगे फ्यूचर में प्लान बना रहा है वो भी ज्यादा है। सही बात है, हमारा भी इंडिया के पास देखो, हमने भी अभी मतलब ऑर्डर शॉर्डर दिए हुए, J31 आ रहा है जो कि हमें मारा मेल हो सकता है, अगर वो आ गया तो फिर थोड़ा मतलब होगा। लेकिन उधर से इंडिया अपना M-का भी बना रहा है, और उधर से कह रहे हैं M-35 की बात हो रही है, भारत भी अगली जनरेशन पे जा रहा है, पाकिस्तान भी जा रहा है, मतलब ये एक दो सालों में और ज्यादा इंडिया का जो है ना बेड़ा बढ़ जाएगा। और यही होप करते हैं कि दोनों देशों के अंदर रिलेशन अच्छे हो जाए, ज्यादा ड्रोन भी देखो बढ़ रहे हैं, इंडिया ड्रोन अपने ड्रोन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला था, इसमें आपको पता है कि भाई पाकिस्तान हालांकि वो अपने बजट पे काफी ज्यादा पैसे लगाता है जो डिफेंस का होता है, लेकिन एयरफोर्स पे इतने ज्यादा पैसे नहीं लगाता। इंडिया अपने एयरफोर्स पे काफी ज्यादा जो है ना वो पैसे लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास काफी ज्यादा रफेल, सुखोई, तो पता नहीं कौन कौन से जो है ना फाइटर जेट मौजूद है। हमारे पास जो ज्यादातर मेड इन चाइना है ना, जिसको आप सब बोलते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो चीज है। मतलब कि अगर फर्ज करें ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें ना ऐसे एयरक्राफ्ट को यूज करना पड़े, लेकिन वो अगर चले ही ना उस टाइम पे, तो लगे लगाए पैसे जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। चाइना की वो बनाई हुई चीजों पे भाई बोलते हैं कि कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया के पास मेड इन इंडिया भी है, और मेड इन वो जो है ना रशिया और मतलब इंडिया का जो आपस में बिल्कुल मुझे तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान आगे होगा, लेकिन नंबर्स की गेम में जो है और टेक्नोलॉजी की गेम में भारत बहुत ज्यादा आगे है पाकिस्तान से। लेकिन यह कि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं ना, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत बहुत दिलेर, बहादुर, और इनको बोला जाता है शाहीन पाकिस्तानी पायलट्स को। और एमएम आलम ने 1965 की वार में पता नहीं कितने वो मिनट में 5 जहाज गिराए थे। हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने आप में एक है। तो पाकिस्तानी जो पायलट है ना वो बड़े वेल ट्रेंड है, इंडिया के भी वेल ट्रेंड है, और उनके पास जो जेट्स हैं उनकी क्वालिटीज जो है टेक्नोलॉजी में तो नो डाउट पाकिस्तान पीछे है, और नंबर्स की गेम में भी पाकिस्तान पीछे, जैसे भाई साहब वीडियो में भी बता रहे थे। तो इनका जो बजट है, डिफेंस बजट है, वो भी तो कितना ज्यादा होता है। और ये था जी कंपैरिजन इंडिया एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स का। और टेक्नोलॉजी, पैसा, इकोनॉमी, हर वाइज इंडिया जो है वो आगे है। लेकिन ये देखो ना, इंडिया के पास जो एज है कि वहां पर अभी एक तो उनकी इकोनॉमी, अब एक चीज आप कंपैरिजन देखो किसको कर रहे हो, मतलब अगर रफ हम बात कर लें तो 4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी को आप 4 बिलियन वाली इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर रहे हो, ह्यूज डिफरेंस कि 4 ट्रिलियन वाली को 4 बिलियन वाली के साथ कंपैरिजन करना और फिर भी टक्कर में आना। तो ये आप कह नहीं सकते कि पाकिस्तान का जो मतलब डिफेंस है वो वीक है, ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जितना पैसा पाकिस्तान का डिफेंस के ऊपर लगता है ना, अगर यही हम बात करते हैं कि अगर यही पैसा आप किसी और काम पे लगाओ, डेवलपमेंट पे लगाओ, तो आप दुनिया के नंबर वन देश बन जाओ। बाकी ये है कि इंडिया आगे है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो हर मामले में। लेकिन ये चीज के इंडिया तो अभी मिराज जो है उसकी खुद वो बना रहा है, उसको इंडिया में बनाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, आई होप तो आप लोगों को, क्योंकि भाई वीडियो में जो कंपेरिजन किया गया है तो
तो आप लोगों ने भाई इनके रिएक्शन भी देखे हैं और इन्होंने क्या बोला है। तो वैसे भी अपने देश के एयरफोर्स को कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये है कि भाई इंडियन एयरफोर्स की जो बात है, और मेरे को तो भाई हंसी उस चीज़ पे आ रही है जो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो जो है मतलब इंडिया से आगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड है। और कितने ट्रेंड हैं भाई, ये तो टाइम टू टाइम उन्होंने बताया ही है। और जो ये बता रहे थे कि 1965 की जंग में जो है एक मिनट में पता नहीं कोई है इनके यहाँ का आलम कौन है, उसने इंडिया के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे, तो भाई वैसे टाइम पे तो ये कंपैरिजन देखते हैं, लेकिन ये भी तो देखो उस टाइम जो है तुम्हारे पास जो है अमेरिका के दिए हुए फाइटर जेट थे जो कि एडवांस थे उस टाइम के हिसाब से, और हमारे यहाँ जो जेट थे वो कितने पुराने जेट थे, उनकी कोई काबिलियत नहीं थी। इवन की 71 की वॉर में भी बेचारे वो रात को नहीं उड़ सकते थे, तो सेवर जेट थे मेरे ख्याल से अपने यहाँ, तो नाम मेरे को क्लियर नहीं है भाई, अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बताना। तो उस टाइम जो है ये इंडिया के पास उस टाइप के जेट्स नहीं थे, और नहीं तो भाई अगर अभी जैसे बीच बीच में कभी अभिनंदन वाला मौका आया था तो एक पुराने 60 साल पुराने फाइटर जेट से तुम्हें मतलब कि अभी F-16 तुम्हारा मारा था तो तुम्हारी काबिलियत नज़र आती है। लेकिन ये है कि भाई कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, तुम लोग अपने एयरफोर्स से खुश, हम अपने, तो हमारे एयरफोर्स में ऐसा नहीं है। और ये तो जो अभी बता रहे थे कि टोटल 1700 आए हैं, तो मेरे ख्याल से 2200 का नंबर्स है, अब मे भी इनसे इनकरेक्ट है इनका, तो क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि इंडिया के पास जो टोटल फाइटर जेट्स हैं वो 2200 के आसपास हैं और ये 1700 बता रहे हैं इसमें। तो बाकी अभी आने वाले टाइम में भाई जब AMCA जो आने बनेगा, ये तो 2030 तक मेरे ख्याल से इंडक्ट होगा एयरफोर्स में, लेकिन उससे पहले भाई जो तेजस के 2 वेरिएंट आने वाले हैं, ऊपर से अभी जो सुपर हॉर्नेट की बात चल रही है नेवी के लिए, और दूसरा ये है कि अभी जो पुराने हमारे कुछ जगुआर पता नहीं कौन से हैं जिनको अब रिप्लेस करेंगे, उनकी जगह नए फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस उनकी जगह लेंगे, या कोई और प्लेन अभी देख रही है एयरफोर्स। कोशिश इनकी यही है कि भाई अपने देश में ही बना के, और वो चीज़ क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, अगर जो बाहर से प्लेन परचेज करते हैं फाइटर जेट्स तो भाई जितने में एक वहाँ से परचेज करते हैं यहाँ 2 बन जाते हैं अगर अपने देश में बनाते हैं। तो जैसे तेजस अब उस एक अच्छा ऑप्शन है कि एयरफोर्स जो पुराने फाइटर जेट्स हैं जो अब रिटायर होने के उस पे आ गए हैं तो उनको रिटायर करके स्क्वाडन इनकी कंप्लीट रहे, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद अभी ये है कि भाई हमारे यहाँ स्क्वाडन की कमी है, जैसे कि 2-3 स्क्वाडन मतलब मिस हैं, मिस का मतलब ये है कि प्लेन नहीं है उतने कि एक स्क्वाडन बनाई जा सके, तो बाकी उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। तो एयरफोर्स अपना मतलब जो तेजस इसीलिए इस पर ज़्यादा काम कर रही थी कि तेजस का जो 2 वेरिएंट है वो अगर आ जाएगा तो एयरफोर्स का जो स्क्वाडन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अभी भी इतना स्क्वाडन है भाई कि मतलब इतना किसी को भी भेज सकते हैं वो, और इनके पास जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है कि जो सुखोई में भाई जो इन्होंने अपग्रेडेशन की है ना मिसाइलों की, वो सबसे बड़ी खतरनाक, और ब्रह्मोस लगने के बाद तो भाई वो जैसे कहते हैं अजय हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस का तोड़ किसी के पास नहीं है, ना चाइना के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास, इसका तोड़ नहीं है इन दोनों देशों के पास। तो जब सुखोई में वो लग जाती है ना तो वो उसके सुखोई के जैसे कहते हैं ताकत भाई डबल हो जाती है, और उसके अलावा फिर जो राफेल है हमारे पास, राफेल वाला जो सिस्टम है और वो भी एक एडवांस मतलब फाइटर जेट्स है, तो उससे भी सुखोई का साथ वो बराबर दे सकता है, ऐसा नहीं। तो भाई ये थी आज की मतलब हमारे एयरफोर्स की जो ये थी वीडियो, जिसमें भाई आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, उनका कंपैरिजन भी दिखाया गया। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ऑडियो जंगल।